जैसे ही मैं अपने फ़ोन के डायलर को ओपन करता हूं और यहां एक कोड इंटर कर देता हूं, वैसे ही मेरे सारे के सारे हाइड ऐप इस तरह से ओपन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपके भी फ़ोन पे कुछ ऐसे ऐप होंगे जिसे आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं कि आपका जो ऐप यूज़ कर रहे हैं वो ऐप सब लोग को पता हो जाए कि ये इस ऐप का उपयोग करता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको भी हाइड ऐप अपने डायलर में छुपा के रखना है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपके अपने फ़ोन में इसे कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना। देन जैसे आप सेटिंग को ओपन करते हैं, आपको यहां स्क्रॉल डाउन करके हुए नीचे की तरफ चल जाना। देन आपको यहां एक ऑप्शन दिखाई देगा प्राइवेसी का, या आपके में सिक्योरिटी जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी के मोबाइल में ऐसा नहीं दिख रहा है तो यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में आके आप यहाँ सर्च कर लेंगे हाइड ऐप। यहाँ जैसे आप हाइड ऐप सर्च करेंगे और हाइड ऐप पे क्लिक करते हैं, तो ये सारे ऐप आपके इस तरह से आपके फ्यूचर ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जिसके में नहीं दिखा रहा है वो उसे सर्च करके ढूंढ लेना है, लेकिन जिसके में दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है, वो यहाँ से प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक कर देगा। देन जैसे प्राइवेसी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऐप लॉक, हाइड ऐप, प्राइवेसी सेफ, किड्स स्पेस, ऐसे आपको बहुत सारे फ्यूचर मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमको हाइड ऐप के बारे में जानना है, तो हम हाइड ऐप पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे मैं हाइड ऐप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ अपने फ़ोन का आपको पासवर्ड इंटर कर देना है। पासवर्ड जैसे आप इंटर करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके जितने सारे ऐप हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपको जिसको भी प्राइवेसी के अंदर रखना होगा। जैसे मैं अपना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मेरे को जिसको प्राइवेसी के अंदर रखना है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जैसे मन हो आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि ये ऐप मैं किसी को ना दिखाऊं या किसी को ना पता चले, तो आप ऐसे सेलेक्ट करने के बाद ऐपों को, और यहाँ आपको टू डॉट एक बिंदी दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है। देन जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। देन जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ नीचे की तरफ आपको हाइड ऐप का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ आपको दो फ्यूचर देखने को मिल जाएंगे, चेंज एसएस कोड, अबाउट हाइड ऐप्स। तो आप चेंज एसएस कोड पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे आप चेंज एसेट पे क्लोज पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपको लिखा है सेट एसएस कोड, यहाँ आपने मुताबिक आप कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको हैशटैग शुरू में लगाना है और लास्ट में। हैशटैग लगा के जैसे मैं अपना बना लेता हूँ, आप बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैं जैसे अपना बनाता हूँ, हैशटैग इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से 2-3 सेकेंड यहाँ वेट करना है आपको। वेट करने के बाद आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन जैसे आप डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। अब आपको मोबाइल के फ़ोन से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अब अपने फ़ोन के डायलर को ओपन करना है। देन जैसे आप फ़ोन के डायलर को ओपन करते हैं, और यहाँ आप जो भी कोड बनाए थे, आपको यहाँ कोड इंटर कर देना है। जैसे मैं अपना जो कोड बनाया था, मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ हैशटैग लगा के। तो इस तरह से मेरे सारे के सारे हाइड ऐप इस तरह से ओपन हो जाते हैं दोस्तों। तो अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप अपने फ़ोन के अंदर कोई भी ऐप चला सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें। देन चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।